हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, मेरे सबमिशंस हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज बनाते हैं वही वाला चिकन। इट्स कॉल्ड थाई बेसल चिकन। और क्योंकि हमारे पास टाइम है तो फटाफट ये रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसे कहते हैं मॉन्स्टू। ये है एक रेड पेपर, ये थोड़ी सी स्पाइसी है और उतनी स्पाइसी नहीं है, बट अगर आपके पास थाई चिली, वहाँ पे बर्ड आई बोलते हैं इसको, नहीं जो इंडिया में मिलते हैं उसको थाई बर्ड आई चिली बोलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। बहुत तीखी होती है बाय द वे। ये है टेंडर स्टेम, ये है बेबी कॉर्न, ये है बीन्स, ये है मशरूम, ये है बेसल और ये है चिकन। ये ऑलरेडी लाइटली सीजनड चिकन है हमारे पास, बट अगर आपके पास नॉर्मल चिकन है तो आप उसको पहले बटर में और थोड़े से ब्लैक पेपर और नमक में थोड़ा आप उसको रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, अलग से रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी सीजनड है तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये है फिश सॉस, ये है ऑयस्टर सॉस और ये है सोया सॉस। तो ये सब भी डलता है इसमें। इन सबको मैं चॉप कर लेती हूँ छोटा छोटा, इसको नहीं करूँगी, ये पूरा पूरा खाने में मज़ा आता है। स्टेम्स के हम ऊपर वाले हटा देते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको इजी है, स्टर फ्राई मेडले करके टेस्को से मिलता है, इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल साथ में होती है। मैं बताना भूल गई कि प्याज भी चाहिए। गार्लिक। हो सकता है इंडिया में आपको इनमें से कुछ चीज़ें ना मिले, बट आपको जो भी मिल रहा है आप उससे बना सकते हैं। हमने पहले बनाया था, मतलब बहुत पहले इंडिया में मैंने बनाया था, तो कभी कभी फिश सॉस की तो स्मेल आती है, बट इसमें ये एकदम बैलेंस आउट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून बटर, 1 garlic goes in, next is onion। अब अनियन डाल रहे हैं, बेबी कॉर्न्स, टेंडर स्टेम, नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ अपनी बीन्स और स्प्रिंग अनियन साथ में। अब ये चिलीज और मशरूम। अब मशरूम डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, थोड़ा सा ही नमक डालूंगी क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक है तो मैं वो भी डाल रही हूँ। अब मैं एंड में ये डाल रही हूँ, ये नॉर का वेजिटेबल स्टॉक है। आपके पास नॉन वेज है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 पॉट रेसिपी है तो सब कुछ एक ही पॉट में बन जाता है, आपको कुछ भी ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन है, ये बेसल है, इसको मैं काट रही हूँ अब छोटा छोटा। एक टीस्पून मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है, एक टीस्पून मैं सोया सॉस डालूँगी, सोया सॉस 2 टीस्पून मैं डालूँगी फिश सॉस, तो जिन लोगों को पसंद नहीं है कि घर में ऐसी स्मेल हो वो ये अवॉइड करे रेसिपी, बट ये बहुत टेस्टी बनता है तो इट्स अप टू यू। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो अब मैं चिमनी ऑन कर रही हूँ। लास्ट स्टेप में मैं बेसिल डाल रही हूँ और सारा फ्लेवर ही इसी का आता है। मैं पानी डाल रही हूँ इसमें और इसके अंदर अब मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डालूंगी इसको थिक करने के लिए। यह 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको मैंने पानी में घोला है, इससे वो ग्रेवी जो है वो थिक हो जाती है। गाइस रेडी है वही वाली स्पेशल करी और राइस जो उस दिन बना था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है ये।